मैं अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं निसंदेह निष्ठा, संदेह नहीं करना, है ना? कि जो चीज सिखाई बताई कि यार ये अलंकार है ये तुम्हें 10 बार करना है तो करना है। गुरुजी से रीजन जरूर पूछ लो कि गुरुजी इसकी इसकी वजह आप मुझे बता दीजिए, 10 बार करने से क्या होगा, है ना? ये नहीं कि नहीं करूंगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि मैंने अपने गुरुओं से भी यही जाना है, वाक्य नोट कीजिएगा कि संगीत सीखा नहीं जाता है, उसके संस्कार लिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे हालात हो तो क्या करे, ये करे ना करे क्या करे। सभ्यता आपको जरूरी है, संस्कृति बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज अ पार्ट ऑफ आर इंडियन कल्चर, हमारी संस्कृति का एक भाग है ये, है कि नहीं? इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि मैंने अपने गुरुओं से भी यही जाना है, वाक्य नोट कीजिएगा कि संगीत सीखा नहीं जाता है, उसके संस्कार लिए जाते हैं। ठीक है, इस नजर से आपको संगीत सीखना होगा। संगीत सीखा नहीं जाता है और न सिखाया जाता है। माता पिता हमारी परवरिश करते हैं, हमें संस्कार देते हैं, हमारे गुरु होते हैं, सर्वप्रथम हमारे गुरु हमारे माता पिता होते हैं, उनकी क्लासेस हम थोड़ी लेते हैं। लेते हैं क्या कि आज मम्मी का 1 घंटे का पीरियड है, या पापा से आज मेरे को 2 घंटे की क्लास, वो अगर क्लास लग जाती तो डर लगता है, क्योंकि वो क्लास लगाना मतलब ये वाली क्लास होता है, कि जब पापा 2 घंटे की क्लास लगाते हैं तो ये वाली क्लास लगती है, है ना? तो उनके यहाँ कोई सेशंस नहीं होते, कोई क्लासेस नहीं होती, वो संस्कार हमें जीते जागते देते हैं, हम उनके साथ रहते हैं और हमें संस्कार मिलते हैं। उसी तरह से संगीत भी सीखा जाता है। संगीत के कोई ये जो औपचारिकता हम यहाँ कर रहे हैं, इस औपचारिकता से, इस फॉर्मेलिटी से संगीत सीखा नहीं जाता है। संगीत एक साधना है, एक सभ्य संस्कृति है, जिसके संस्कार दिए जाते हैं, है ना? इसको जान लेना जरूरी है। और इस पर मैंने कुछ वक्त पहले एक वाक्य लिखा था, वो वाक्य मैं आप सभी के साथ साझा करूंगा, शेयर करता हूं, उसे नोट कर लीजिए अपनी डायरीज में। संगीत एक सभ्य संस्कृति व साधना है, इसके संस्कारों के लिए सदगुरु के साथ सब्र व सद्भावपूर्ण समर्पित संगत और निसंदेह व निस्वार्थ निष्ठा चाहिए। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पे बात करने को बोली है, इसीलिए इतना गहराई में जा रहा हूँ। फिल्मी गानों की बात होती तो बात अलग थी, या लाइट म्यूजिक को अगर मुझे सिखाना होता तो बात अलग थी, लेकिन आप सभी लोग यहाँ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखने बैठे हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत, तो भारतीय शास्त्रीय संगीत तो भाई संस्कृति है हमारी, है ना? तो संगीत एक सभ्य संस्कृति व साधना है। सभ्य यानी आपकी शिष्टाचार होता है जिसमें, मैनर्स होते हैं, एटिकेट्स होते हैं जिसमें, है ना? कि भाई खाना कैसे खाना है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, ये हमारे माता पिता हमें सिखाते हैं, है ना? कि खाते खाते गिरा मत दो खाना, है? अरे कैसे चल रहे हो, पाँव घिस घिस के, उठा उठा के चलो, है ना? या खाना खाते खाते क्या बात कर रहे हो, मुंह में खाना चबा रहे हो और खाना गिर रहा है आधा और बात कर रहे हो, ये कोई तरीका है, ये कोई सभ्यता है? तो ये सभ्यता हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं, संस्कृति हमें सिखाते हैं, कैसे कपड़े पहन रखे हैं उलझुलूल, है ना? कहीं भी जा रहे हैं नहाए नहीं हो, बाल कैसे बिखरे हुए हैं, शक्ल कैसी हो रही है, तो ये सभ्यता हमें हमारे माँ बाप सिखाते हैं। उसी तरह से गुरु जो है वो किस प्रकार से संगीत सिखाता है, शास्त्रीय संगीत, उस पर गौर कीजिएगा। तो संगीत एक सभ्य संस्कृति है, ठीक है? सभ्य संस्कृति होनी चाहिए, ऐसी नहीं कि उलझुलूल संस्कृति, जो हमें कल्चर जिसे हम कहते हैं, है ना? जिसे यूं कह सो, ये कह सकते हो कि म्यूजिक इज नॉट लर्न्ड, है ना? हम अकल्चरेशन करते हैं संगीत का। अकल्चरेशन मतलब सांस्कृतिकरण, कि आपके अंदर इसके संस्कार दूंगा मैं, कि कैसे संगीत सीखा जाता है, साज की कितनी कीमत होती है, साज की कितनी अहमियत होती है, कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट की कितनी इज्जत करेंगे, अपने गुरु का कितना सम्मान करेंगे, आप अपने संगीत को किस दर्जे पे रखेंगे, ये सारी चीज़ें, अपने रियाज को, अपने रियाज के स्थान को, जहाँ बैठे हो, जहाँ रियाज करते हो, जो संगीत की, जो संगीत का कक्ष है आपका, जो क्लास है, उसकी कितनी आपको इज्जत है, तो ये सब चीज़ें संस्कृति में आती हैं हमारी, और ये साधना है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस कर लेने वाली चीज़ है, अभ्यास करके आ जाती है या रट के आ जाती है, नहीं, इसके लिए बैठना पड़ता है घंटों, रियाज नहीं, साधना की जाती है, प्रातःकालीन कंठ साधना, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मॉर्निंग वोकल रियाज, या मॉर्निंग वोकल प्रैक्टिस आप कह सकते हैं, जिसको जो मेरे पिताजी पंडित अवध किशोर पांडे जी द्वारा कॉइन किया हुआ वर्ड है
है ना, कॉइन मतलब उन्होंने बनाया है ये शब्द एक तरह से। रियाज तो सब कहते हैं, सब कहते हैं सवेरे का रियाज, लेकिन मॉर्निंग वोकल रियाज, इससे अगर आप टाइप करते हो यूट्यूब पे तो सबसे ज़्यादा वीडियोस, सबसे ज़्यादा कंटेंट आपको मेरे पिताजी का मिलेगा, उस पर उन्हीं की बनाई गई टेक्निक्स हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे करना होता है, सब समझ जाएंगे फिर आप, खरज कैसे इंप्रूव होता है, तार सप्तक कैसे होता है, और ऊंचे गाने कैसे गाने, नीचे कैसे गाने, सुर सधेगा कैसे। तो खैर, तो इसे साधना कहते हैं, मेडिटेशन आता है इसमें, है ना, स्पिरिचुअलिज्म आता है इसमें, कंसंट्रेशन आता है इसमें। तो इसके संस्कारों के लिए सदगुरु के साथ, सदगुरु यानी सच्चा गुरु, ऐसा वैसा गुरु भी नहीं, गुरु घंटाल भी बहुत सारे होते हैं, है ना, जिसे कहते हैं ना कि ये गुरु नहीं गुरु घंटाल है, कि वो गुरु के नाम पे सिर्फ धोखा दे रहा है आपको, कि आपने वहाँ पैसा जमा कराया और आप उससे सीख रहे हैं, तो आपको लग रहा है वो मेरे गुरु जी हैं, पर गुरु वो है जो आपके अंधकार को मिटाए, उसे कहते हैं सदगुरु। गुरु शब्द की परिभाषा में ही जो दो शब्द हैं उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ। गुह्य और रूही संस्कृत के दो शब्द हैं। गुह्य मतलब होता है छुपाना, और रूही का मतलब होता है प्रकाश करना, उजागर करना। दोनों ही शब्दों का पहला पहला अक्षर लेकर के गुरु शब्द का निर्माण हुआ है, गुरु शब्द बना है। अब क्या छुपा रहे हैं और क्या प्रकाशित कर रहे हैं, क्या उजागर कर रहे हैं, ये समझने की बात है। आपके अंदर जो अज्ञानता रूपी अंधकार होता है, उसको गुरु का काम है उसको दूर करना, उसको छुपा देना, अज्ञानता को दूर करना और ज्ञान का प्रकाश करना, ये गुरु का काम होता है। सच्चा गुरु वही है जो इस तरह से आपकी अज्ञानता को दूर करता है, यानी कि ज्ञान को आपके अंदर भरता है। वही सच्चा गुरु है जो आपको स्वाध्याय की प्रेरणा दे। सदगुरु की परिभाषा लिख लीजिए, सदगुरु वो होता है जो आपको स्वाध्याय की, स्वाध्याय मतलब स्व अध्याय, यानी खुद से रियाज करना, खुद से चीज़ों को जानना, रटाना नहीं, है ना, मैं किसी की भी बुराई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, आप इशारे मेरे समझ जाइए कि रटाना नहीं है, रचनात्मक शक्ति पैदा करना है। ये भी मैंने लिखा था कि ये तय आप ही को करना है कि रटना है या रचना है, ये तय आप ही को करना है कि रचना रटना है या रचना है। तोते की तरह पट 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 पर वो चीज़ों याद कर लेने, गाने याद कर लेने, नोटेशन याद कर लेने, लाइनें याद कर लेनी है, या फिर उनकी रचना करनी है, पैदा करने हैं गाने ऐसे कैसे, ठीक है। तो सदगुरु वही करता है, सदगुरु आपको सच्चे मार्ग पे बताता है और ये बताता है कि स्वाध्याय करो, खुद से अध्ययन करो, मंथन करो और चीज़ें जानो, सीखो, पैदा करो, न कि सिर्फ रटो। तो इसके संस्कारों के लिए सदगुरु के साथ सब्र व सद्भाव पूर्ण समर्पित संगत चाहिए। ऐसी वैसी संगत नहीं, संगत जिसमें सब्र हो, पेशेंस हो, सद्भाव पूर्ण, आपके भाव जो हैं वो सद होने चाहिए, यानी अच्छे भाव होने चाहिए, और समर्पित यानी फुल डेडिकेशन, कि आप ही हैं मेरे तो गुरुधर, मेरो तो गिरधर गोपाल और दूसरों न कोई। इस तरह की संगत चाहिए कि गुरु को मान लिया तो सब कुछ मान लिया, गुरु जी अब आप ही सब कुछ हैं। मेरे दादा गुरु जी से मैंने ये चीज़ जानी है, सीखी है कि गुरु सिर्फ आपका टीचर नहीं होता है, कि एक रिलेशन उससे ये वाला नहीं है कि मैं इससे सीखता हूँ ये मुझे सिखाते हैं। गुरु के साथ ऐसा रिश्ता होता है कि वो सब कुछ है आपका, वही आपका दोस्त है, वही आपका साथी है ना। जैसे गुरु जी बताते कि मैं कौन हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हारा पिता भी हूँ, मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, मैं तुम्हारा भाई भी हूँ, तुम्हारी बहन भी हूँ, तुम्हारा प्रेमी भी, तुम्हारी प्रेमिका भी, मैं ही हूँ, है ना। तो इतना समर्पित, इसको कहते हैं समर्पित संगत। ऐसी वैसी संगत नहीं कि मैं सिर्फ गुरुजी के साथ एक घंटा क्लास लेके आता हूँ, या आप यहाँ बैठे तो एक घंटे की क्लास है, नहीं, समर्पित सद्भावपूर्ण और सब्र वाली, कि पेशेंस है। फिर ये नहीं कि गुरुजी की क्लास में जा रहे हैं तो यार दो महीने हो गए यार अब तक कुछ आया ही नहीं, ये वाले भाव आ जाते हैं सीखते, कि गुरुजी तो कुछ सिखा ही नहीं रहे, है ना। जैसे मैं यहाँ सिखाने अभी आपको बैठा तो आप ये सोच रहे हैं यार पिछले 24 मिनट से यार ये तो क्या बातें करे जा रहा है, हमारे कुछ काम की चीज़ तो आई नहीं। इसे कहते हैं मोल भाव, इसे कहते हैं तौल के सीखना, इसे कहते हैं पैसा दिया और उतना वापस मिलना चाहिए, है ना। इस तरह से संगीत नहीं आता है। माता पिता इस तरह से सिखाते हैं क्या आपको, कि आप ये बोलो मम्मी पापा आपको फीस दी है मैंने, मुझे संस्कार सिखाओ, मुझे बताओ कपड़े कैसे पहनने, मुझे बताओ बाल कैसे बनाने, मुझे बताओ खाना कैसे खाया जाता है, मुझे बताओ बातें कैसे की जाती है लोगों से, नहीं ना। उठना बैठना चलना फिरना ये जो माँ बाप सिखाते हैं, ये उम्र भर आप उनके साथ रहते हैं और इसके एहसान नहीं चुका पाते। वही संगत गुरु के साथ होती है सब्र वाली, है ना। इस सब्र का मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, वाकया मुझे याद आ रहा है मेरे पिताजी का और मेरे गुरु जी का, एक वाकया है, किस्सा है छोटा सा, बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा।
क्या हुआ कि मेरे पिताजी को एक कंपटीशन में जाना था। आप सभी लोगों के साथ भी ये वाक्या कभी ना कभी हुआ होगा कि एक कंपटीशन में हमें जाना है, कुछ गाने हमने तैयार किए हैं, गुरुजी के पास लेके गए कि गुरुजी ये 5 गाने हमने तैयार किए हैं, एक बार आप सुन लो, चेक कर लो क्या ये ठीक हैं, अगर ठीक हो तो मैं कंपटीशन में जाऊं तो मेरा सिलेक्शन हो जाए। यही पिताजी का भी था कि एक प्रतियोगिता में उन्हें भाग लेना था, तो वो गुरुजी के पास गए अपनी कॉपी लेकर। अब सीन ये हुआ कि सवेरे वो गए 7 बजे उनके कक्ष में, उनकी क्लास में गए और बैठ गए सारे स्टूडेंट्स के साथ जाकर, जहाँ सारे स्टूडेंट्स बैठे थे वहीं वो भी बैठ गए और ये बोला कि गुरुजी मैं आ गया हूँ तो आप बता दीजिए मेरे गाने। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है बैठो, अभी एक बार इनका चेक कर लो फिर तुम तक आता हूँ। तो गुरुजी ने बोला, मेरे पिताजी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ी देर, सब्र कर लेता हूँ थोड़ी देर, ठीक है। तो सब्र का इम्तिहान देखिए कितना लिया गया है, गुरु कितना लेता है, ईश्वर कितना लेता है, आपकी परीक्षा कितना ले रहा है, आपकी आपकी प्रतीक्षा की परीक्षा ईश्वर लेता है ना, और उसी तरह आपके गुरु भी लेते हैं आपकी प्रतीक्षा की परीक्षा, कि आप वेट कितना कर सकते हैं, सब्र का इम्तिहान जिसे कहते हैं। तो गुरुजी के सामने पिताजी बैठ गए अपनी कॉपी लेकर, कॉपी खोल करके भाई ये हमारे गाने इसमें लिखे हुए। अब गुरुजी एक स्टूडेंट को सिखाया, फिर थोड़ी देर में दूसरे को सिखाने लग गए, तीसरी में चौथे को सिखाने लग गए, हर थोड़ी देर में किसी और को सिखाने लग जाते। तो भाई हर दूसरे स्टूडेंट का वो जांचने लगे लेकिन पिताजी तक आए नहीं। इस चीज को होते होते ये वाकया चलते चलते पूरा दिन बीत गया और शाम की 7 बज गई, 12 घंटे हो चुके हैं इस चीज को हुए, ठीक है। अब तक गुरुजी ने पिताजी को चेक नहीं किया है कि तुम्हारे क्या गाने थे। तो लास्ट के 5 मिनट बचे थे और जहां वो सीखते थे वो इंस्टीट्यूट था वो बंद होने वाला था, भाई 7 बजे बंद हो जाता था शाम की। तो पिताजी ने थक हार के ये सोच लिया कि चलो ठीक है, अब अगर यहाँ बैठे हैं 5 मिनट ही बचे हैं, अब क्या ही चेक कर लेंगे गुरुजी 5 मिनट में तो मेरा, है ना। तो उन्होंने बोला ठीक है अब जैसा तैसा है मैं कल गा दूंगा, और ये ख्याल के साथ उन्होंने कॉपी बंद कर दी। लेकिन अब दिक्कत क्या आई कि कॉपी बंद करते समय, क्योंकि अब थोड़ा सा अंदर छेड़ तो आई गई थी, यार क्या है यार 12 घंटे में 5-10 मिनट नहीं मिले इन्हें मेरे लिए, हैं इतनी देर से सबको चेक कर लिया मुझे चेक नहीं कर सके थे। तो उन्होंने थोड़ा जोर से कॉपी बंद करी, है ना, बंद करने का थोड़ा सा उनका यूं रहा कि ऐसे पटक के थोड़ी बंद करके और साइड में रख दी, ऐसा नहीं ज्यादा गुस्सा कर दिया, भाई अपने गुरु पे कोई गुस्सा थोड़ी कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा अब चिढ़न भी तो आई गई कि यार सवेरे से वेट कर रहा हूं, 10 मिनट मांगे थे सबको दिया आपने वक्त, मुझे नहीं दिया, है फालतू बातें भी कर रहे थे, ऐसा भी नहीं कि हर किसी को आप सिखा ही रहे थे, कुछ के साथ तो आप टाइम पास भी कर रहे थे, तो वो वक्त मुझे दे देते। तो उन्होंने कॉपी जरा जोर से बंद कर दी। अब ये चीज गुरुजी ने नोट कर ली और उस समय कुछ नहीं बोला, पर उनको खटक जरूर गई कि अच्छा तो इस तरह से आपने कॉपी बंद करी। क्लास खत्म हुई। अब उमूमन ऐसा ही होता था क्योंकि मेरे गुरुजी और दादा गुरुजी बहुत अच्छे दोस्त भी हैं आपस में, है ना, हम उम्र ही हैं लगभग लगभग, और गुरु शिष्य भी हैं। तो अब वो जा रहे हैं निकल रहे हैं, तो पिताजी अपनी साइकिल पे जा रहे हैं और गुरुजी अपने बुलेट पे निकल रहे थे, ठीक है। तो गुरुजी ने पूछ लिया कि अवध जी मेरे साथ आ जाओ, ऐसे बोला कि अवध जी मेरे साथ आ जाओ। तो पिताजी ने बोला ठीक है गुरुजी जैसा आप बोले। तो वो चल दिए। अब वो उन्हें अपने घर लेके गए, वहां बैठे कमरे में और एक ही सवाल किया, आपने कॉपी इतने जोर से क्यों बंद की। तो पिताजी भी थोड़ा सा डर के कि गुरुजी ऐसा कुछ जोर से तो नहीं, ऐसे ही बंद की थी बस। बोले नहीं, आपने उसे ऐसे करके बंद की थी, पटका था, क्या कारण था उसका। तो फिर उन्होंने भी थोड़ा सा डर डर के, गुरुजी के सामने बोलना है तो अब आप ऐसे नहीं बोल सकते ना, थोड़ी सभ्यता रखनी पड़ती है, शिष्टाचार यही कहता है हमारा कि हमें बड़ों का आदर करना होता है, हमारे जो संगीत के गुरु हैं ऊंचे दर्जे के हैं तो उनकी इज्जत करनी होती है। तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि थोड़ा रुक रुक के, थोड़ा आवाज़ कम की, गुरुजी मैं सवेरे से बैठा था आपके सामने आया था, आपने चेक ही नहीं किया, आप सबको चेक कर रहे थे, मुझे आपने वक्त ही नहीं दिया, ये वो ऐसे ऐसे बोलने लग गए। ये पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया फुल लॉजिक के साथ, रैशनल कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए थी, लेकिन गुरुजी का जवाब पूरी कॉन्वर्जेशन सुनने के बाद, पूरी उनकी बात सुनने के बाद कि नहीं कॉपी कैसे बंद करी आपने। तो पिताजी बोले कि गुरुजी वही तो मैंने समझाया अभी कि इतना कुछ हो गया और ये वो। तो बोले नहीं, कॉपी बंद करी कैसे आपने, वो नहीं करनी चाहिए थी आपको, आपका जो सब्र का बांध टूटा वो नहीं टूटना चाहिए था। ये शिक्षा उस दिन पिताजी को उन्होंने रात भर बैठ कर दी है कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं सीखते समय, कितना सब्र रखना होता है गुरु से सीखते समय। आप लोगों के सामने बहुत कुछ अवेलेबल है, आप लोग बहुत लकी हो ये समझ लीजिए कि ये सुविधा है फ्रंट रो ने जुटाई है कि आप सब लोग यहां बैठ के सीख रहे हो। उनसे जानो जिन्होंने गुरु के दर पर घिस घिस के संगीत सीखा है। जिन लोगों को आज आप इस मकाम पे देखते हो, कभी उनसे पूछना कि उन्होंने क्या स्ट्रगल्स किए हैं गुरु से सीखने के लिए, कितना वक्त दिया है, कितना समर्पण दिया है। पैसे से संगीत नहीं आ जाता है, संगीत को खरीद नहीं सकते हो आप, ये कला है ना, इसके संस्कार मिलते हैं। उनसे जानो जिनके माँ बाप नहीं होते कि उनको संस्कार कहाँ से मिलते हैं,
उनमें वो तमीज़ वो शिष्टाचार कहाँ से आता है, वो दर दर भटकते हैं उस चीज़ के लिए, उन्हें अलग अनुभव लेने पड़ जाते हैं वो चीज़ें सीखने के लिए। आप नसीब वाले हैं, किस्मत वाले हैं कि माँ बाप साथ में हैं, वो आपको वो संस्कार दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, है ना, यूँ ही मिल रही है जो पूरी एटिकेट्स मैनर्स जो मिल रहे हैं जिनकी हम कदर नहीं करते। उसी तरह से संगीत के जो संस्कार मिलते हैं वो इसी तरह से मिलते हैं, समर्पित संगत होनी चाहिए आपकी, है ना, कंप्लीट आपका डेडिकेशन इस तरह से हो कि फिर कोई डाउट नहीं आना चाहिए मन में, कोई डाउट नहीं आना चाहिए, है ना। अगर मुझसे सीखने आए हो तो मैं यही पहले बताऊंगा कि सीखा कैसे जाता है। संगीत सीखने से पहले ये सीख लीजिए कि सीखा कैसे जाता है। ये वाक्य नोट कर लो आप कि सीखने से पहले ये सीखें कि सीखा कैसे जाता है। ये मेरे पिताजी से, मेरे गुरुओं से मैंने यही जाना है, यही सीखा है। टाइम पास नहीं करना। 63 लोग जुड़े हैं, मुश्किल से 15 लोग के कैमराज ऑन हैं, ये 15 नसीब वाले हैं ये मान के चलिए। मैं तो यही मानता हूँ, मैं ये नहीं मानता कि जिनके कैमराज ऑफ हैं वो मुझसे सीखना नहीं चाहते हैं। मेरा बस इतना सा मानना है कि शास्त्रीय संगीत जो है वो नसीब वालों के लिए है, बदनसीबों के लिए नहीं है। सीधी सी बात है, जो लोग ये कहते हैं ना यार इतना क्या क्लासिकल सीखना, रागें क्यों सीखनी, गाने गा सकते हो ना बिना शास्त्रीय संगीत भी, तो लोग गाना गाते ही है ना क्लासिकली, आई एम नॉट क्लासिकली ट्रेंड। ये वाक्य आपने कई जगह सुना होगा, मैं नाम नहीं लूंगा किसने बोला है, पर FR पे ही आपने सुना होगा, है ना, कि आई एम नॉट क्लासिकली ट्रेंड लेकिन फिर भी मैं गाना गा रहा हूँ, गा रही हूँ, जो भी है फलां, है ना। तो ये चीज़ कहना कोई फ़ख्र की बात नहीं है कि मैं शास्त्रीय संगीत सीखी नहीं हूँ या सीखा नहीं है मैंने। शास्त्रीय संगीत तो सीखा जाता ही नहीं, नसीब वालों की बात है। आप ये मान लीजिए, आपने अगर मानते हो तो मानो इस चीज़ को कि पुनर्जन्म में कुछ अच्छे काम किए थे जो शास्त्रीय संगीत सीख रहे हो। मैं तो यही मान के सीखता हूँ, यही मान के मैं इस मैं उतरा हूँ कि कहीं जाना नहीं है, कोई मकाम हासिल नहीं करना है, लालच नहीं है। आप में से बहुत से लोग हैं वो लालच की वजह से यहाँ बैठे हैं, है ना, आधे ऊपर ज़्यादातर लोग इस लालच की वजह से बैठे हैं कि गाने सीख कर बॉलीवुड में जाना है, पैसा कमाना है, शोहरत चाहिए, नाम शोहरत ये चाहिए आप लोगों को, ज्ञान नहीं चाहिए। क्योंकि जिसे ज्ञान चाहिए होता है उसमें सब्र होता है, उसमें फिर ये नहीं होता है कि यार मेरे सवालों वाले जवाब दो ना, या मेरी बात बताओ ना, या गाने सिखा दो ना चार मुझे, जल्दी से राग या अलंकार या थाल बताओ ना। बताने को मैं इतनी सारी बता दूंगा, आपसे होंगी नहीं, इतनी आती है मुझे, मालूम है मुझे। इस वजह से नहीं बता रहा हूं कि मुझे आता नहीं है ना, आता मुझे बहुत कुछ है, मैं सब कुछ बता सकता हूं, आपके हर सवाल का जवाब है मेरे पास, लेकिन पात्रता तो चाहिए। पात्रता अगर आप में है ही नहीं, आप कंटेन ही नहीं कर सकते हो, मैं देने को तो मैं दे दूं लेकिन विष को कंट्रोल करने के लिए या कंटेन करने के लिए शिव होना पड़ता है, और अमृत भी झेलने के लिए जो है उसके लिए भी कुछ ताकत चाहिए, गुर्दा चाहिए, है ना। आप थाली हैं और मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि मुझ में पानी डाल दो, तो थाली में तो पानी पिलाया नहीं जाता है ना, थाली में तो रोटी रखी जाती है, पानी पीने के लिए तो ग्लास ही लगता है। तो अगर पानी पीना है तो ग्लास बनो, रोटी खानी है तो थाली बनो। तो पात्रता उस अकॉर्डिंग चाहिए कि नहीं। तो अभी जो मैं कर रहा हूँ ना, ये भूमि तैयार कर रहा हूँ, आप लोगों के भेजे जो हैं ब्रेन वॉश कर रहा हूँ, है ना। ब्रेन वॉश कुछ गलत काम नहीं होता है, ब्रेन गंदा होता है तो वॉश करना पड़ता है, सर्फ से धोना पड़ता है, मैं तो सिर्फ बातों से धो रहा हूँ। खैर, तो सद्भावपूर्ण आ गया कि भाव आपके सद्भाव होने चाहिए, अच्छे भाव होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप लालच की वजह से जा रहे हो सीखने, कि यार 2 महीने हो गए गुरु जी के पास जाते जाते, अब तक कुछ आया तो है नहीं, इतने पैसे दे चुका हूँ मैं। ये जो मापदंड चलता है ना, ये कैलकुलेशन, ये नहीं चलना चाहिए। उसके बाद समर्पित संगत आई गई, निसंदेह निष्ठा, निसंदेह कहते हैं डाउटलेस, डाउट नहीं करना कभी, क्वेश्चन करो, डाउट नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन मत करो, कि जो गुरु सिखा रहा है उस पर क्वेश्चन मत करो, पत्थर की लकीर मानकर आंख बंद करके सीख लो, अंधविश्वास कहते हैं उसे, मैं अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं निसंदेह निष्ठा, संदेह नहीं करना, है ना। कि जो चीज सिखाई बताई कि यार ये अलंकार है ये तुम्हें 10 बार करना है तो करना है, फिर गुरुजी से रीजन जरूर पूछ लो कि गुरुजी इसकी वजह आप मुझे बता दीजिए, 10 बार करने से क्या होगा, है ना। ये नहीं कि नहीं करूंगा, आपने कहा है सिर्फ इसीलिए नहीं करूंगा, है ना, ये वाला एटीट्यूड जो है ये रख के नहीं सीखना। निष्ठा ऐसी, निष्ठा यानी डेडिकेशन उनके प्रति, अपने माँ बाप के प्रति जैसा आपका बर्ताव, जैसा रवैया होता है वैसा ही, और मैं तो ये कहूंगा कि उससे भी ऊंचा दर्जा गुरु का होता है। गुरु ग्रंथ साहिब, इसका नाम सुना होगा आपने,
सिखों का धर्म ग्रंथ है ये, गुरु ग्रंथ साहिब, जैसे रामायण है, रामचरितमानस है, महाभारत है ना, बाइबल है, कुरान है, उसी तरह से गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पुराण है, एक तरह से उनका ग्रंथ है। उसमें यही बताया गया है कि अपने गुरु को मानो, गुरु ही मार्ग है जो आपको ईश्वर तक ले जाएगा, है ना। तो वो सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा है, तो उसको जानना होगा कि गुरु की महिमा क्या है। तो निस्वार्थ, निस्वार्थ यानी सेल्फलेस, जिसे कहते हैं सेल्फलेस लव कहते हैं ना, अनकंडीशनल लव जिसे कहते हैं, वही आपको, वही भाव रखने होते हैं गुरु के साथ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वाक्य मैंने समझा दिया आपके, अब एटलीस्ट बेस तैयार हो गया होगा।